अब इस बंदा खोदेंगे, इसकी सब्जी बनेगी। बहुत सारे थे, सब खोद दिए, बस यही दो बचे हैं। एक बाद में खोदेंगे, एक ही बहुत बड़ा है। ताजा है ना, इसलिए पानी सूखा नहीं। चारों को ऐसे ऐसे काट देंगे, साफ कर देंगे इसको अच्छे से। ये इसकी आंखें हैं, इसको यही काट के फिर लगा देंगे तो फिर इतना ही बड़ा बनेगा। इसमें हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए बंडा की सब्जी बनाने की विधि बता रहे हैं। ये देखिए इसकी आँख है, इसको हम लगा देंगे फिर से, इतना बड़ा फिर बंडा हो जाएगा। खोद के लाए हैं और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इसको थोड़ा साफ करेंगे, तो कड़ा होता है, इसको भी लगा देंगे। देखिए इसमें भी आंखें हैं। अब इसको हटा के अब इसको हम अच्छे से छील लेंगे और ऊपर वाला भी हटा देंगे। ये थोड़ा सा टाइट होता है लेकिन पकने में कोई दिक्कत नहीं करता है। अंदर देखिए एकदम दही की तरह सफ़ेद है। बहुत टेस्टी इसकी सब्ज़ी बनती है। आप इसका छोटा पीस भी काट सकते हैं, बड़ा पीस भी काट सकते हैं, अपने मनपसंद का इसको काट सकते हैं। देखिए हम थोड़ा बड़ा ही काटेंगे। इसमें दूध होता है, धुल के काटने से फिसलता है, इसलिए इसको काट के दो बार तीन बार धुल देंगे ताकि इसका जो दूध है निकल जाए। इसको पंसुल की मदद से हमने काट दिया है, बड़े पीस में कट के तैयार है। आपकी मर्जी हो तो आलू डालिए, नहीं मर्जी हो तो नहीं डालिए, हम तो डालते हैं। ये देखिए इसको भी बड़े साइज में ही लेते हैं। ये बंडा है, इसमें पड़ने वाली सामग्री है, ये पेस्ट है, अदरक लहसुन और प्याज, हरी मिर्च, और ये हल्दी है, गरम मसाला,
लाल मिर्च, नमक, खड़ी मेथी और यही है कटा बारीक प्याज है, हरी धनिया है, दो लाल मिर्च और सरसों का तेल। मेरी कढ़ाई गर्म होने वाली है, अब इसमें मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ। खड़ी मेथी है, इसमें एक चुटकी हींग है, मेथी हल्की सी ब्राउन हो जाएगी तो हम उसमें जो बंडा है कटा हुआ उसको डालेंगे, उसको शैलो फ्राई करेंगे। ब्राउन हो गई है, अब हम इसमें कटा हुआ बंडा और आलू डालेंगे। इसे हमें शैलो फ्राई करना है। देखिए हमारे बंडे और आलू दोनों फ्राई हो रहे हैं और ये जब तक हल्के भूरे हो जाएंगे तब तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। देखिए हल्का भूरा भूरा होना शुरू भी हो गया है। बंडा और आलू दोनों शैलो फ्राई हो चुके हैं, आप देख रहे हैं ब्राउन भी हो गए हैं अच्छे से, बहुत ही अच्छा रंग आया है इनका, एकदम जैसा चाहते थे वैसे ही हल्का हल्का ये ब्राउन हो गया है। अब इसमें थोड़ी कटी हुई प्याज डाल के जला देंगे, और नहीं डालते तो प्याज ज़्यादा जल जाती है। अच्छे से बंडा बन गया है, अभी अदरक लहसुन हरी मिर्च प्याज का पेस्ट डाल देंगे। रंग आने भर के लिए हल्दी डाल देंगे, अच्छे से गर्म मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च, आप उसमें स्वाद अनुसार इसको डालेंगे अच्छी, और उसमें कटी हुई धनिया डाल देंगे। इसी तरह थोड़ा सा पानी डाल देंगे, इतना बड़ा बड़ा ना काटे होते कि भूनते भूनते ही एकदम गल जाता, ये बहुत जल्दी गलता है, काटने में हार्ड रहता है लेकिन पकाने में बहुत जल्दी गल जाता है। सब्जी तो बहुत ही अच्छी बनती है, चाहे चावल से खाइए, चाहे पूरी से खाइए, कचौड़ी से खाइए, सब्जी हमारी पक चली है। हम इसमें थोड़ा नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, नमक डाल दिया है, एकदम बंडा मेरा एकदम ही गल गया। बहुत लोग कहते हैं कि बंडा कढ़ाई में नहीं बनता नहीं गलता, उसको कुकर में बनाना चाहिए, लेकिन देखिए मेरी मम्मी की रेसिपी इस तरीके की है कि इसमें बंडा एकदम गल गया है, एकदम बंडा गल गया। आपको उसको कुकर में डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कढ़ाई में इतना अच्छा गला है
और बहुत ही स्वादिष्ट बना है। सब्जी हमारी एकदम खोल रही है और अब इसमें थोड़ा सा आमचूर डाल देंगे। पहले डाल देते तो ये बंडा आलू जो है गलता नहीं अच्छे से, खट्टेपन से। अभी एकदम ये निकाल के परोस दीजिए, एकदम तैयार है। बंडे की सब्जी का फाइनल लुक बनकर तैयार है। गर्मा गर्म मसालेदार सब्जी बहुत ही टेस्टी लग रही है देखने में। आप देखिए, किसका मन नहीं करेगा इसे खाने का और बनाने का। तो बिल्कुल आप मेरे मम्मी के विधि से बनाइए ये सब्जी, और मैं गारंटी देती हूँ कि वो सब्जी बहुत 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 ही टेस्टी बनेगी। देखिए आप, आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।